Hello students, in this session we are going to continue with chapter number 8, that is comparing quantities. In this chapter we have already covered exercise number 8.1. अब आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन का दूसरा तरीका जो कि है परसेंटेज फाइंड करना. इस परसेंटेज मेथड को समझने के लिए हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं. मान लो कि आपकी एग्जाम्स हुई और उन एग्जाम्स के रिजल्ट आ गए. उन रिजल्ट्स में आपको मार्क्स जो है वो लिख के दिए जाते हैं. अब अगर हमें अपने मार्क्स को अपने फ्रेंड के मार्क्स से कंपेयर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे मार्क्स का परसेंटेज निकालेंगे, फ्रेंड्स के मार्क का परसेंटेज निकालेंगे और फिर दोनों ही परसेंटेजेस को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. तो परसेंटेजेस को कंपेयर करने से हमें पता चलेगा कि कौन से स्टूडेंट को ज़्यादा मार्क मिले हैं, कौन से स्टूडेंट को कम मार्क मिले हैं. इसी तरह से जो टीचर है उनके क्लास में तो 50-60 स्टूडेंट्स होते हैं, सबके मार्क्स तो वो याद नहीं रखेंगे. तो टीचर क्या करेंगे, वो परसेंटेजेस निकालेंगे और परसेंटेज वाइज पता लगाएंगे कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो क्लास में फर्स्ट आया है, कौन सा सेकंड आया है, कौन सा थर्ड आया है एंड सो ऑन. तो इस तरह से हम परसेंटेज निकाल के दो बच्चों के मार्क्स को कंपेयर कर सकते हैं. इसी तरह से परसेंटेज वाइज हम किसी भी अलग अलग क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी बेटर है और कौन सी क्वांटिटी कम अच्छी है. तो दैट मेथड ऑफ कंपेयरिंग इज नोन एज अ परसेंटेज वे ऑफ कंपेयरिंग. ठीक है, एक एक एग्जांपल लेते हैं जो टेक्स्ट बुक में दिया है. सपोज अ गर्ल इज देयर अनीता, इसको 320 में से 400 में से 320 मार्क्स मिले हैं और रीटा जो है उसे 360 में से 300 मार्क्स मिले हैं. तो अब अगर हम सिर्फ मार्क को ऑब्जर्व करेंगे तो अनीता के मार्क है 320 और रीटा के मार्क्स है 300. तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अनीता को ज़्यादा मार्क मिले हैं, अनीता ज़्यादा बेटर है? नो, बिकॉज अनीता को जो मार्क मिले हैं वो 400 में से मिले हैं और रीटा को जो मार्क मिले हैं वो 360 में से मिले हैं. तो हम लोग डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि भाई अनीता जो है उसके मार्क ज़्यादा बेहतर है. तो अब अगर हमें ये पता लगाना हो कि कौन सी बच्ची का रिजल्ट बेहतर है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही बच्चियों का परसेंटेजेस निकाल लेंगे. So by taking out the percentage, we found out that Anita का percentage है 80% और Rita का percentage हुआ है 83.3%. तो mark के ऊपर से तो ये लग रहा था कि Anita का report ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जब हमने percentage निकाले तब हमें पता चला कि Rita का जो report है वो ज़्यादा बेहतर है. Clear? तो percentage निकालने के बाद हम दो क्वांटिटीज़ को अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सी क्वांटिटी जो है वो बेहतर है और कौन सी क्वांटिटी जो है वो कम बेहतर है. दैट इज़ वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ अ परसेंटेज. अब अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेजेस आर न्यूमरेटर्स ऑफ फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर. एग्जाम्पल, सपोज मैं ऐसा लिखूँ 40/100, तो इसका मतलब होता है 40%. अगर मैं ऐसा लिखूं 30/100, तो इसका मतलब होता है 30%. तो जब भी हमें डिनोमिनेटर में 100 मिल जाए तो उस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होगा उसे कहा जाता है परसेंटेज. एक बार फिर बोलता हूं, जब भी डिनोमिनेटर में 100 आ जाए तो उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को बोला जाता है परसेंटेज. क्लियर? सो परसेंटेज इज अ वर्ड दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड परसेंटम, जिसका मतलब होता है पर 100. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 100 को डिनोमिनेटर में लेते हैं और न्यूमरेटर को परसेंटेज बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 1% बोलना है तो 1% का एग्जैक्ट मतलब होता है 1 out of 100 और 100th, यानी कि 1/100. तो ये हो गया 1%. अब इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इट विल बी 0.01. क्लियर? तो परसेंटेज का मीनिंग होता है ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 100 हो. ठीक है, दैट वी विल कॉल अ परसेंटेज. नाउ परसेंटेज का मतलब तो हमने समझ लिया, अब हमें कैलकुलेशन के लिए अगर परसेंटेज की बात करनी है तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. यानी कि सपोज हमें कोई फ्रैक्शनल नंबर दिया है और उस फ्रैक्शनल नंबर को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एग्जाम्पल लेंगे. सपोज वी हैव गिवन अ फ्रैक्शन 1/3, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें इस 1/3 के डिनोमिनेटर में 100 जनरेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो इट विल बी लाइक
हम लोग इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसे अगर हम प्रॉपर अरेंज करके लिखें तो इट विल बी लाइक 100 अपॉन 3 और अपॉन 100। दिस टर्म कैन बी रिटन लाइक दिस इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। तो 100 अपॉन 3 के डिनोमिनेटर में 100 जनरेट हुआ है, 100 अपॉन 3 के डिनोमिनेटर में 100 जनरेट हुआ है। इसका मतलब गिवन 1 अपॉन 3 का जो परसेंटेज है वो कितना होगा, 100 अपॉन 3 परसेंटेज। और इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इट विल बी लाइक 33 इंटीजर 1 अपॉन 3। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज वी हैव गिवन 1 अपॉन 4 और हमें इसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। इफ़ वी हैव गिवन 1 अपॉन 4 और इसे हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग न्यूमरेटर में 100 लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे और फिर ये 100 और 4 को रिड्यूस कर देंगे। वी नो दैट 25 फोर ज़ा 100 होता है, सो वी विल हैव 25 अपॉन 100 फाइनल स्टेप। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 अपॉन 4 होता है 25%। क्लियर? तो ये एक तरीका हो गया फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का। अब सिंपली आपको क्या याद रखना है, आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो भी हमें फ्रैक्शन दिया होगा उसे डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट अ परसेंटेज। जो भी फ्रैक्शन दिया होगा उसे डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट अ परसेंटेज। सो दिस विल बी 100 अपॉन 3। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, दिस विल बी 33 इंटीजर 1 अपॉन 3, यही आ जाएगा। सो इस तरह से जब भी कोई फ्रैक्शन दिया होगा उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो डायरेक्टली उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। क्लियर? नाउ अगर डेसिमल दिया हो और उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मेथड तो सेम ही है, चाहे आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करो चाहे डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, मेथड उसका सेम ही रहेगा। क्या करना है, सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल वी हैव गिवन 0.75 और इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम लोग सीधा 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 0.75 इंटू 100 दैट विल बी इक्वल टू 75%। सपोज 0.09 है, इसको परसेंटेज में करना है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट 9%। तो इस तरह से जब भी हमें कोई परसेंटेजेस दिए होंगे, सॉरी डेसिमल्स दिए होंगे, उनको अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो वी विल डायरेक्टली मल्टीप्लाई देम विद 100। क्लियर? और अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन या डेसिमल में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन या डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग डायरेक्टली उस गिवन परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव गिवन 35%, इफ आई हैव गिवन 35%, इसको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, आई विल राइट 35 अपॉन 100। ये हो गया फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब आप इसे रिड्यूस कर लो या डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, जैसा आपका क्वेश्चन, यू कैन डू इट एनी वे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज आई हैव गिवन 20% और मुझे इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट 20 अपॉन 100, ये हो गया 1/5, या तो आप इसे 0.2 भी लिख सकते हो। तो इस तरह से जब भी कोई फ्रैक्शन और डेसिमल दिया हो उन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन जब परसेंटेज दिया हो उसे फ्रैक्शन या डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो उसे 100 से डायरेक्टली डिवाइड कर दो। तो ये तरीका होता है कन्वर्जन करने का, परसेंटेज टू डेसिमल, डेसिमल टू परसेंटेज। क्लियर?